Hello students, now we are going to start our chapter 3, that is matrices, whose weightage is 4 marks in a board exam. Okay, aapne polynomials padha, aapne trigonometry padha, theek hai, aapne bahut se chapter padhe, lekin aap pehli baar ek aisa chapter padhne ja rahe ho jo bilkul different hai, that is matrices. Okay, so is chapter mein jo cheeze padhai jayengi wo aapke life mein pehli baar hongi, theek hai. तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है. एंड इट इज अ वेरी इजी चैप्टर ऑफ क्लास 12th, ठीक है, हूज वेटेज इज 4 मार्क्स. सो प्लीज लुक ऑन द बोर्ड. नाउ मैट्रिसेस, फर्स्टली आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिक्स, मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म. मैट्रिसेस क्या है? प्लूरल फॉर्म है. इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स. इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स होता है. मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स होता है. क्या होता है? मैट्रिक्स होता है. तो अब हम मैट्रिक्स ही बोलेंगे. ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है और ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो हम सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे मैट्रिक्स. तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? ठीक है, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ रोज एंड कॉलम्स हैविंग ऑर्डर एम क्रॉस एन. हैविंग ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है. तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है. क्या है डेफिनेशन? मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट इन अ रोज एंड कॉलम्स हैविंग ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है. जैसे आपका नाम होता है ना, आप अपने नाम से जाने जाते हो, वैसे मैट्रिक्स अपने ऑर्डर से जाना जाता है, ठीक है. जैसे आप अपने नाम से जाने जाते हो, वैसे मैट्रिक्स किससे जाना जाता है? अपने ऑर्डर से जाना जाता है, ठीक है. अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है. तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है. अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को किसी लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी. कैपिटल लेटर से किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है. तो ये कोई मैट्रिक्स है और इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है. अब एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 9, 7, 1, 6, 3, ठीक है. ये हो गए आपके एलिमेंट्स. ये क्या हो गए आपके एलिमेंट्स. यहां पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट्स हैं? 9. जैसे ये 2, 8, 1, 4, 9, 6, 6, 7, 3, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है. और आप कोई भी मैट्रिक्स लिखोगे तो इन ब्रैकेट में लिखोगे. ये मैट्रिक्स का साइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये साइन गलत भी बना दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है. तो ये मैट्रिक्स का साइन है और मैट्रिक्स को किसी लेटर से नोट करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड. बस वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, वो स्मॉल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तब भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. मैं एक एग्जाम्पल उठाया हूं, ठीक है. आप ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है. यहां पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं 9. टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है, ठीक है. अब बात करते हैं रो की. किसकी बात करते हैं? रो की. तो जो हॉरिजेंटल होता है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है, ओके. इसको मिटा देते हैं. तो जो हॉरिजेंटल होता है उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल जो होता है वो क्या होती है? रोज होते हैं, ठीक है. और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है? कॉलम्स होता है. जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है? कॉलम्स होता है, ठीक है.
जो हॉरिजेंटल होता है वो रोज होते हैं और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स होता है, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको क्या लिखेंगे, C1। ये वर्टिकल है ना तो ये फर्स्ट कॉलम है। अब ये क्या है, ये सेकंड कॉलम है, और ये क्या है, ये थर्ड कॉलम है। बात समझ में आई, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है, और जो हॉरिजेंटल होता है वो क्या होता है, रोज होता है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, और ये क्या है, ये सेकंड रो है, और ये क्या है, ये थर्ड रो है। बात समझ में आई, ये कॉलम है, ठीक है, और ये क्या है, रो है, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इंटू कॉलम। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, रो इंटू कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इंटू कॉलम। अगर आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, अगर आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैंने यहां पे मैट्रिक्स लिखा नहीं लिखा, ये ब्रैकेट से ही पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो। फिर ध्यान से देखिए, 1 रो 2 रो 3 रो, तो रो कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम भी कितनी है, 3। तो 3 क्रॉस 3। बात समझ में आई, तो मैट्रिक्स ए का कॉलम ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। और हर साल बोर्ड में मैट्रिक्स में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। आइए और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में और चीजें जानते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अभी हम मैट्रिक्स के बारे में 1% भी नहीं जाने हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, हाँ। तो ये हॉरिजेंटल जो होता है वो क्या होता है, रोज होती है, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉलम्स होता है, ठीक है।